बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नोज टिप्स। ज़्यादा भाग दौड़ करने या तेज़ तेज़ चलने की वजह से अक्सर सांस फूल जाता है। खैर, ये तो सबके साथ ही हो सकता है, इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जब कोई खास सरगर्मी या तेज़ ना चलने पर भी आपका सांस फूल जाए तो ये एक प्रॉब्लम है। बाज़ लोगों का बात करते हुए भी सांस फूलने लगता है, वो बात करने में हिचकिचाते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक आसान सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ इस मसले के हल के लिए। आपने 2 कप पानी लेना है, इसको आपने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। ये देखिए, पानी बॉयल हो चुका है। अब आपने इसमें अनारदाना ऐड करना है। अनारदाना आपने बिल्कुल ड्राई वाला इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा जो गीला अनारदाना होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। ये अनारदाना हम पानी में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे पानी में। जब पानी 1 कप रह जाएगा तो हम इसको चूल्हे से उतारेंगे। ये देखिए, पानी हमारा तकरीबन 1 कप रह गया है। अब हम इसको चूल्हे से उतार कर छान लेंगे। ये हमारी अनारदाने की चाय रेडी हो गई है। इसकी खटास को ख़त्म करने के लिए आप 1 बड़ा चम्मच इसमें शहद का ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच शहद। ये आपने नाश्ते से पहले पीनी है, इससे आपका सांस भी नहीं फूलेगा और ये दिल की बंद शरियानों को खोलने में भी मदद करता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।